प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे, उसका क्या हुआ? किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली है, किसी एक को भी रोजगार नहीं मिला है। नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम। आज हमारे साथ हैं झाझा भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज सिंह जी और मनीष यादव छात्र राजद विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? चुनाव का बिगुल बजा हुआ है तो बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार, 400 पार या दूसरी सरकार? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के हित में इतनी अधिक व्यापक कार्य किए हैं कि देश के जनता के दिल पर मोदी जी बस रहे हैं और देश की जनता एक सुर में कह रही है मोदी मोदी, इसलिए निसंदेह अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार या गठबंधन सरकार, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन अगर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इस बार मोदी जी आर पार। एक बात ये है कि जहाँ पे इंडी गठबंधन की सरकार बनती है या फिर वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम पे सवाल नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ पे वो हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम पे सवाल किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ईवीएम पे सवाल उठना लाजमी है। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी रहता है, आप ईवीएम में भी काउंट करिए और वीवीपैट को भी काउंट करिए, अगर दोनों का नतीजा सेम निकले फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया जाता। देश की जनता ही आज मोदी जी का ईवीएम है, प्रत्येक जनता ईवीएम मशीन बना हुआ है। तो जब जनता एक मुश्त होकर वोट मतदान कर रही है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का वोट निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे, उसका क्या हुआ? देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र एवं अन्य प्रोजेक्ट द्वारा, स्टार्टअप द्वारा देश में नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं एवं देश की जनता को रोजगार दिया गया है, रोजगार मिला है। देखिए, कौशल विकास की जो बात है, मैंने भी प्रशिक्षण लिया है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, मैंने भी लिया है। लेकिन रोजगार की बात है, मेरे साथ कई ऐसे साथी हैं, दर्जनों साथी हैं जिनका मैं अभी बाय नेम उनको याद कर सकता हूँ और उनका परिचय दे सकता हूँ। किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली है, किसी एक को भी रोजगार नहीं मिला है। रही बात की MSME के तहत कुछ लोन दिए जाने की बात, लेकिन उसमें भी बैंक का चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाता है, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा भी बहुत ही गरमाया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट SBI को फटकार लगाएं, फिर उसका ब्यौरा आया जिसमें कि राहुल गांधी द्वारा ये बयान दिया गया था कि ये अगर सामने आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। लेकिन जब इसका ब्यौरा आया तो फिर ये पता चला कि इसमें सारे पार्टी संलिप्त हैं, क्योंकि सारे पार्टी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बॉन्ड साइन किए हैं। ठीक है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, 2014 के पूर्व राजनीतिक पार्टियों को चंदा नगद लेन देन में दिया जाता था, जिसमें पारदर्शिता नहीं रहती थी कि किस पार्टी को क्या चंदा मिला है नहीं मिला, ये पता नहीं चल पाता था। तो इसके लिए देश में, केंद्र में NDA की सरकार बनने के बाद चंदा देने के लिए पारदर्शिता हो, इसके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो भी व्यक्ति चंदा देना चाहते हैं वो अपना चंदा दे रहे हैं, इसमें पारदर्शिता है और सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला है। ये बात है, 303 सीट जीतने वाले प्रत्याशी को 6000 करोड़ के लगभग चंदा मिला, तो अन्य पार्टियों को 14000 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा मिला है।
ये पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया था सरकार के द्वारा, और अच्छी बात है कि पारदर्शिता इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है किसको क्या चंदा मिला है नहीं मिला, ये सब सामने है, सबके सामने है, और कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय में राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है, तो ये चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने किसको कितना चंदा मिला है, इसकी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई SBI को, तो SBI ने पहले साफ कर दिया कि हम 4 महीने के बाद डेटा आपको देंगे, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने दोबारा से उनको याद किया तो फिर 24 घंटे के भीतर उनको देना पड़ा। हमें लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा जिसे मिला है वो भारतीय जनता पार्टी है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने भले पारदर्शिता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम ही है। अच्छा, विपक्ष पे परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन इस बार अगर जमुई लोकसभा को देखा जाए तो चिराग पासवान अपने जीजा जी को टिकट दिए हैं। क्या जमुई लोकसभा में पार्टी का कोई एक ऐसा सदस्य नहीं था जिन्हें की NDA की ओर से उतारा जा सकता था? इसका जवाब लोजपा के पदाधिकारी देंगे, लोजपा संगठन इसकी सवाल का जवाब लोजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी देंगे। हमें लगता है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। परिवारवाद की जब बात आती है तो आप कहते हैं लोजपा अलग हो जाए, तो लोजपा आपके साथ है कि नहीं है ये बताइए। हाँ, ये भी बात सही है कि लोजपा इस समय NDA में है, और ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि 10 साल पहले चिराग पासवान आए, यहाँ के सांसद बने, लोग उन्हें पसंद किए, लेकिन फिर 10 साल बाद जब सांसद महोदय को बदलने की बात आई तब तो झाझा से किसी जमुई लोकसभा से किसी को तो उतारना चाहिए था, लेकिन इस बार भी फिर बाहर से क्यों? डॉक्टर अरुण भारती शिक्षित पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार हैं, और जम्मू जिला में चिराग पासवान जी के अधूरे सपनों को अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मोदी जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। रास्ते से भटकना तो इसे ही कहा जाए। अभी आप पूछ रहे हैं परिवार की बात, परिवारवाद की बात, तो हमारे साथी कह रहे हैं कि शिक्षित हैं, शिक्षित तो सभी लोग हैं, उनके विपक्ष में कई लोग लड़ रहे हैं, सब लोग शिक्षित हैं। आप इस मुद्दे पर आइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अगर लोजपा को ही टिकट मिलना था तो फेस तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता। सच्चाई ये है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं था यहाँ के लिए, और चिराग पासवान जी अगर लड़ते खुद से तो हमें लगता है 2.5 से 3 लाख वोटों से हारते इस बार। अच्छा, जमुई लोकसभा में 10 साल से चिराग पासवान सांसद रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की जनता से पूछी जाए तो वो गिने चुने 1-2 परियोजना या कार्य का नाम बताते हैं, इसके अलावा कोई कार्य के बारे में उनको जानकारी नहीं है या नहीं हुआ है। क्यों NDA सरकार क्यों अपने कार्य को उजागर क्यों नहीं कर रही है जमुई में? विकास के कार्यों का लेखा जोखा है लोजपा के संगठन के जिला अध्यक्ष जी माननीय जीवन सिंह जी के द्वारा, उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातों को रखा था, बताया था, और संसदीय क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं, और जो कार्य छूटे हैं, जो कार्य अधूरे हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करने का कार्य हमारे लोजपा के NDA के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण भारती जी करेंगे। जनता मौका देगी तब तो करेंगे। कौन कौन से कार्य हुए, 5 कार्य आप गिना दीजिए। तो पहला कार्य है केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन झाझा में, दूसरा है रेलवे ब्रिज का काम हुआ है, फिर और जगह जगह सड़क पुल पुलिया जहाँ जहाँ पर जो जरूरत था उन्होंने अपने मद से अपने फंड से व्यापक पैमाने पर हर स्तर पर गरीब गुरबों का जहाँ पर जो जरूरत हुआ जो जो डिमांड हुआ सभी कार्यों को माननीय सांसद जी चिराग पासवान जी के द्वारा पूरा किया गया है। केंद्रीय विद्यालय बनाया, उसके एवज में 2 विद्यालय को बंद किया गया है, रेलवे हाई स्कूल को और रेलवे मिडिल स्कूल को, और उसके बदले में केंद्रीय विद्यालय बना दिया गया है। चलिए, एक कार्य तो इसको हम नहीं गिन सकते। दूसरी जो बात कही आपने कि सड़क बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, ओवर ब्रिज अभी आधा अधूरा है, और सड़क की जो बात रही, सड़क परिवहन विभाग है, वो विभाग का काम है जहाँ सड़क टूटी फूटी हो, जहाँ सड़क नहीं हो वहाँ बनना ही है, और इसका श्रेय तो चिराग पासवान जी नहीं ले सकते। संसद पट से विकास के अनेकों कार्य हुए हैं,
एमपी फंड से, सांसद फंड मध्य से विकास के अनेकों कार्य हुए हैं, हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। आपने बटिया को गोद लिया था, अभी देखिए बटिया की क्या स्थिति है। जुमराज थान आप जानते हैं पूरे बिहार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी फैली रहती है। वहाँ पे गोद लिया गया था बटिया को, उस गांव की स्थिति अभी आप जाके देखिए तो बद से बदतर है। सिर्फ विकास के नाम पे और गोद में लेने के नाम पे 4-5 स्ट्रीट लाइट लगाया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। चिराग पासवान एक स्लोगन दिए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या इस पे वो बिहार के लिए कुछ किए हैं? लोचपा वाला क्वेश्चन परिवार फर्स्ट परिवारवाद फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, नहीं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रहते तो चिराग जी किसी और को यहाँ से टिकट देते, बाकी जो अन्य चार जगह है, एक जगह खुद लड़ रहे हैं और बाकी तीन जगह भी अपने रिश्तेदारों को लड़ा रहे हैं। तो इसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, चिराग फर्स्ट और उनके परिवार फर्स्ट। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में वो जो रोजगार दिए हैं उतनी रोजगार केंद्र सरकार भी नहीं दी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जब कोई भी कार्य होता है तो जब हम लोग गाली मुखिया को देते हैं तो ताली भी मुखिया को ही मिलेगा। बिहार में एनडीए के शासनकाल में बिहार राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये देश की बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को रोजगार देने का कार्य किया गया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और इसका सारा श्रेय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी को जाता है। श्रेय तो नीतीश जी को जाना चाहिए लेकिन लोग दे नहीं रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी इससे पहले भी 15 साल तक शासन में रहे हैं और खूब जो दुरुपयोग होता है शासन का और सत्ता का वो किए हैं। अगर उनको रोजगार देना रहता तो 15 साल में कितना रोजगार दिया है? तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल से हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बौखला गए थे कि उनको डर सताने लगा था, उनकी कुर्सी हिल रही थी। 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया है। पेपर लीक का मुद्दा बार बार उठ रहा है और ये हर एक जगह हो रहा है, भारत के लगभग लगभग राज्य से ये मुद्दा आ रही है, तो इस पे क्या पक्ष सत्ता पार्टी को और विपक्ष दोनों को मिलके कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, कौन से सरकार इस पे ठोस कदम उठाएंगे? देखिए पेपर लीक कांड की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, इसके दोषियों की संपत्ति जब्त किया जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। बुलडोजर तो चलना ही है, बशर्ते भाजपा कार्यकर्ता ना निकल जाए पेपर लीक मामले के आरोपी। पेपर लीक कांड में जो भी रहे, जो भी दोषी हो, हम लोग यही काम, यही मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो, अपराधी का कोई जात कोई धर्म नहीं होता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके उसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा कि बीपीएससी की दो बहालियां आई, दोनों में लगभग 70 दिन में दोनों को कंप्लीट करके लोगों को नौकरी दे दिया गया, उसमें कहीं 1% भी लीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भाजपा का शासन आया, आप देखिए बीपीएससी की तीसरी बहाली जो आई उसमें पेपर लीक हो गया, स्थगित कर दिया गया। इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बार बार कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से 3रे स्थान पर लाना है, देश में अनेकों ऐसे कार्यों को करना है जिससे हमारा देश भारत विकसित भारत बने, और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जोखिम उठाई जा रही है, सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य भेदित किए जा रहे हैं, निस्संदेह हमारा देश विकसित भारत कहलाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने में माहिर हैं, नो डाउट, लेकिन जब बात आती है रोजगार की, जब बात आती है MSP की, जब बात आती है शिक्षा की, तो कहीं भी उनका एक भी भाषण में मैंने नहीं सुना है कि इन सब मुद्दों पर बात हुई हो। देश में सबसे पहले नौजवान जो है वो जाते थे बहुत शौक से और गर्व से कि हम भारतीय सेना में भर्ती होंगे। आप देख रहे हैं कि 4 साल कर दिया गया है अग्निवीर योजना लाके,
वहाँ से सभी हथियार को चलाने में एक्सपर्ट हुए युवा 4 साल के बाद अगर वहाँ से निकलते हैं तो 25% को रखा जाएगा, बाकी 75% युवाओं को नौकरी से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो लोग कहीं किसी प्रकार की संगठन बना के अगर देश के प्रति खड़े हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि विकासशील और विकसित देश है भारत, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल से आधी रात को कानून लाया जाता है और पारित करा दिया जाता है, कहीं कोई सदन में डिबेट नहीं, कहीं कुछ नहीं। किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, पैलेट गन से हमला किया गया और आंसू के गोले छोड़े गए और कई प्रकार की जो उनको है सताया गया कई तरह से। कई लोगों ने तो अपनी जान दे दी है लेकिन उनको MSP नहीं दिया गया। जब वो लोग डटे रहे लगभग सालों तक, जब साल भर पूरा हो गया तब इनको जब कुर्सी का खतरा नजर आया तब इन्होंने अपना कानून वापस लिया है। क्या इस पे आप कुछ तर्क करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो अग्निवीर योजना के बारे में बोला जा रहा है, तो अग्निवीर योजना में 50% को रखा जा रहा है और फिर जो उसमें 50% जो बच जा रहे हैं उन 50% को रेलवे, बैंक एवं अन्य संस्थानों में भी नियुक्त होने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अग्निवीर योजना के तहत, ये इजराइल में भी अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना के तहत आपातकाल में देश में जरूरत पड़ने पर सैनिकों को रिजर्व रखा जाता है और देश चाहता है कि हमारा हर एक व्यक्ति पहले सैनिक हो, उसके बाद वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रेलवे का पायलट हो, रेलवे का ड्राइवर हो, बैंककर्मी हो। इस तरह की योजना देश विश्व में चल रही है, विश्व के अनेक देशों ने अग्निवीर योजना के कुछ का पालन किया है, चलाया है और यह एक अच्छी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक भारतवासी पहले सैनिक बनेगा, उसके बाद वह डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर अन्य संस्थानों में जाकर देश की सेवा करेगा। और क्या क्वेश्चन है? और एक किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में जो कहा जा रहा था, वो लोग किसान नहीं है, वो लोग सब अलगाववादी ताकत, अलगाववादी लोग हैं, खालिस्तानी सब खालिस्तान का समर्थक हैं और भेष बदल बदल कर कर करके देश को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। असली किसान जो है वो खेत पर कार्य कर रहे हैं, ये लोग नकली किसान किसान बन कर करके आंदोलन कर रहा है। धन्यवाद, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। फॉर्मल टॉक्स के पूरे टीम की ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, आप लोगों ने एक नया अनूठा प्रयोग झाझा में किया है और आपके स्टूडियो फले फूले, सफलीभूत हो। आप लोग युवा लोग हैं, आप लोग आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना हम लोग भी देते हैं भाजपा संगठन की ओर से।